हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और जैसे कि हम लोगों ने साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए थे, और आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो और आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। अब तक हमने सीटेट के 150 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दूसरी बात, सीटेट करने के साथ साथ हम लोग DSSSB की तैयारी भी करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर लगे रहिए। कई बार होता है कि हम लोग धीरे धीरे तैयारी करना शुरू करते हैं कि जब पेपर की डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल गलत एक अवधारणा होती है। तो आपको करना केवल इतना है कि डेली एक वीडियो या दो दिन में एक वीडियो मैं डाल दूंगा इस पे चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन पिछले कई पेपर से आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर शायद, पिछले कई एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं, जबकि आसानी से आप यहाँ पर मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग बात कर लेते हैं, विकास की अवधारणा और अधिगम, यानी विकास की अवधारणा या बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर विकास की अवधारणा बनती है, धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद वो सीखना शुरू करता है। अधिगम का मतलब सीखना, आपको भली भांति पता है, तो सीखना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, तो कई अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, जैसे बेंडूरा है या फिर आपके वाइगोत्स्की हैं या पियाजे हैं, तो इन्होंने कई कई अलग अलग अवधारणाएँ दी हैं, अलग अलग बातें कही हैं किसके बारे में, कि हम लोग किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अलग अलग एज के अंदर बच्चों के सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, यहाँ पर हम ये भी बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुछ लाइनें लिखी हैं, वो पढ़ के सुन लेते हैं, देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर ये बात चलेगी कि बच्चा पैदा होता है, अवस्थाओं के बारे में बात करें, किस तरीके से सभी ने अवस्थाएं अपनी अलग अलग दी हैं, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये तो चार हैं जो हमें पढ़नी पड़नी है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, वो हमारे इंपॉर्टेंट काम के नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान एक बड़ा विषय है, फिर मनोविज्ञान एक छोटा सा भाग है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है केवल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक एविरल क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है, यानी विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। देखो कई बार क्या होते हैं, लोग वृद्धि और विकास में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हम वही समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ग्रोथ एक अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि जो विकास है यानी डेवलपमेंट है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जब तक व्यक्ति मरता है तब तक विकास जो है वो उसका होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। शारीरिक फिजिकल हो गया, क्रियात्मक यानी किस तरीके चीज़ों को हम लोग करेंगे, तीसरा हमारा हो गया संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्याजे के अनुसार, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, और फिर भाषागत यानी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, देन संवादात्मक यानी कि इमोशनल या इमोशंस की बात करेंगे यहाँ पर, और लास्ट है सामाजिक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोशल डेवलपमेंट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो और साथ में अगर बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है विकास की प्रक्रिया में रुचियों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहारों इत्यादि का विकास भी शामिल होता है, यानी सभी चीज़ों का विकास शामिल होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके जीवन मूल्य अलग हैं, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चा तो उसके जीवन मूल्य अलग हो जाएंगे, इस तरीके से जो बिहेवियर है उस बिहेवियर में भी चेंज होता रहता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, हमारा व्यवहार चेंज होता रहता है, तो ये सभी किसके साथ साथ होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इन सभी चीज़ों के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। बाल विकास का तात्पर्य क्या है, और बाल विकास का सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, किसने शुरू किया था, और बाल विकास की प्रश्नावली शुरू करने वाले कौन थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं बाल विकास की प्रक्रिया, बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पहले गर्भ में ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गर्भावस्था की, तीन अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ठीक है, गर्भावस्था कितने अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं, तो शायद मैं लिख ना पाऊँ तो आप समझ लीजिए चीज़ों थोड़ा सा। पहले होती है डिम्बावस्था, दूसरी होती है पिंडावस्था, ठीक है, और तीसरी शैशवावस्था, मतलब उसी का एक भाग है। तो डिम्बावस्था, पिंडावस्था और शैशवावस्था,
तो बच्चा जब शुरू होता है जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो वो डिम्बावस्था में, सबसे पहले डिम्बावस्था के अंदर होता है, यानी वो पिंडावस्था में आता है, फिर वो शेषावस्था के अंदर आता है। तो तीन पार्ट शेषावस्था के यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो जब से पैदा होता है तब जब तक वो मरता है तब तक वो जो है वो डेवलपमेंट करता रहता है। बाल विकास के अध्ययन से प्राय निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकते हैं हम। पहला, जन्म से पहले एवं जन्म के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद तक बच्चा किस तरीके से चेंजेस करता रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, बालक में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर 10 प्रश्न लिखे हैं, ये जैसे चैप्टर फिनिश होगा तो इस चैप्टर के फिनिश होते ही आपको शायद इन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखो, अगर आप देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, बट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि और विकास, कई बार हम क्या कर लेते हैं कि भाई वृद्धि और विकास दोनों जो है ना उसको हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परंतु मैं बताऊं आपको, वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है केवल, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो कोई बच्चा है उसकी लंबाई बढ़ गई है, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ गई मगर उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। देखो विकास का मतलब क्या होता है, जब लंबाई और मतलब फिजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक जब दोनों चीज़ों में परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग कह देते हैं विकास। परंतु अगर केवल शारीरिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है या फिर केवल मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम खाली क्या कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप जूम करके देख लेते हैं, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार लंबाई ऊंचाई केवल यहाँ तक संबंधित है, यानी उसका आकार कितना होगा, उसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, केवल इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। केवल वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, ठीक है, मतलब एक पार्ट है खाली। विकास एक बड़ी अवधारणा है जबकि वृद्धि एक छोटी अवधारणा है। वृद्धि के अंदर हम कुछ निश्चित बातों के कोई शामिल कर पाते हैं मगर विकास जो है वो वृद्धि को अपने में समेटे हुए है, ठीक है। वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, मतलब अगर बच्चे की लंबाई की बात कर लेते हैं तो वो 21 वर्ष की उम्र तक, 20 वर्ष की उम्र तक, कुछ 18 वर्ष, कुछ 16 वर्ष, इस उम्र तक यानी केवल उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि है, लेकिन उसकी शारीरिक वृद्धि के साथ साथ अगर उसका विकास भी मतलब अगर उसके मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों का भी है। अंतर देख लीजिए, वृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन बताती है जबकि व्यवहार परिणात्मक के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। इसमें कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार, ये सभी चीजें भी इसके अंदर शामिल होती है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है, ठीक है। तो विकास जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि वृद्धि जो है वो तो छोटा कॉन्सेप्ट है विकास के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि शुरुआत से हम लोग साइकोलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं और CDP के जितने भी टॉपिक्स हैं, साइकोलॉजी के, CTET के जितने भी हैं, क्योंकि देखो सीखते रहना चाहिए आपको भी हमें भी, तो हम सीखते रहें। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवीजन आपको फटाफट हो जाना चाहिए, बाद में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर से रिगार्डिंग तो वो भी आप अगर सही निकाल लेते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपने चैप्टर ठीक से समझा है, ठीक है। बच्चों आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, विकास की अवस्थाएं। तो वो अगर आप समझो वृद्धि और विकास में कितना अंतर है, वृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है अगर इंग्लिश में बात करें और विकास एक जो है यानी डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो वृद्धि है यानी कि आपका जो एक ग्रोथ है, ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नथिंग एल्स, ये खाली डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। मानव विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं, मानव विकास की 7 अवस्थाएं यहाँ पर लिखी हैं आपके सामने, ठीक है। वो 7 अवस्थाएं आप देख लीजिए क्या है, गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक, कई बार पूछ लेता है बच्चों के पैदा होने की अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो बच्चों के पैदा होने की अवधि मैं बता दूं आपको वो होती है कितनी, 180 दिन, 180 डेज, ठीक है, 180 डेज के आसपास की अवधि होती है, ठीक है उसकी, ठीक है। कितने दिन की अवधि होती है उसकी, 180 दिन के आसपास की अवधि होती है। फिर शेषावस्था से बाल्यावस्था तक जाने में जन्म से 5 वर्ष तक का समय लगता है, ठीक है, कितना लगता है, जन्म से 5 वर्ष तक का समय लगता है, ठीक है। फिर 5 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपकी कौन सी हो गई, बाल्यावस्था।
ठीक है, 12 से 18 किशोरावस्था, युवावस्था 18 से 25 वर्ष। तो अभी जो पढ़ना है ना वो हमें खाली इन तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। ये जो है ना हमारी किशोरावस्था, तो ये केवल ये कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष तक की आयु के विषय में ही हमें पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर देखो मैंने क्या बताया, मनोविज्ञान एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और शिक्षा मनोविज्ञान है ना वो एक बस उसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है और कुछ नहीं। अनेक विद्वान हैं ठीक है जिन्होंने केवल चार ही अवस्थाएं समझाई हैं, पहला शेषावस्था, अब यहाँ देख सकते हैं ठीक है, पहली शेषावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी वयस्क अवस्था। ठीक है, ये चार उन्होंने अपनाई है। और प्याजे की बात करो, प्याजे ने भी क्या कहा, ये चार पार्ट में डिवाइड किया केवल उसको। ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, ये ट्रिक है आपको याद करने का। ठीक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ सबने, एक एक वर्ड ले लेते हैं, पूरी यानी की मूर्ति आपकी। ठीक है, तो ये प्याजे की चारों अवस्थाएं आ गया। ठीक है, जैसे सास हो गया संवेदी अवस्था, ठीक है, जो संवेदी बताया प्याजे ने, तो संवेदी हो गया, संवेदी पे। ठीक है, ये होती है 0 से लेकर और मेरे ख्याल से 5 या 6 अवस्थ तक, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। ठीक है, दूसरा है पूरी से है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, देन है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, अब ये मूर्त को दो पार्ट में डिवाइड किया, और हम जब प्याजे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट बचा है आपका अमूर्त, ठीक है, जिसमें हम लोग अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, तो ये इस तरीके प्याजे ने भी चार पार्ट में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जब बात करें शिक्षा की दृष्टि से, प्रथम तीन अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर शिक्षा की बात करें किशोरावस्था तक, मैंने क्या बोला था, अगर आप क्या करो केवल किशोरावस्था तक, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अगर ये खाली तीन चीज़ें पढ़ लोगे तो भी सफिशियंट रहेगा आपके लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर लेते हैं, सबसे पहले शेषावस्था की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, कि शेषावस्था क्या है और क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, विशेषताओं पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशेषता कौन कौन सी होती है शेषावस्था की। ठीक है, तो पहला लिखा है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेष अवस्था कहा जाता है। थोड़ा मैं उसको जूम कर देता हूँ, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शेष अवस्था कहता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, ये जो पहली विशेषता होगी वो होगी कौन सी, जन्म से 3 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें हॉर्लिक्स का ऐड आता है। ठीक है, 5 वर्ष तक बच्चों के 90% मस्तिष्क का मतलब जो है विकास हो जाता है। ठीक है, तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की बात की, फिर उसके बाद धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि शब्द कितने हैं बच्चे के पास। ठीक है, कोई बच्चा है उसके पास मान लो उसकी उम्र है 0 से 8 महीने। ठीक है, उसके पास कितने भाषा के अकॉर्डिंग उसके पास कितने शब्द हो सकते हैं, तो आंसर होगा 0 शब्द। यानी 0 से 8 माह के बच्चे के पास 1 भी शब्द नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात करूं अगर 8 महीने से लेकर ठीक है, और 1.5 साल तक के बच्चे के, 1.5 वर्ष तक के बच्चे के पास कितने शब्द होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 से 4 शब्द। 3 से 4 शब्द होते हैं केवल, कितना आपका 1.5 वर्ष तक के बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको यहां पर बताई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है बच्चों में। ठीक है, ये जो मेन चीजें हैं, जैसे 3 वर्ष तक उसका विकास हो जाता है, दोहराने की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। ठीक है, अनुकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था के अंदर होती है, अधिक से अधिक जिज्ञासा भी इसके अंदर ही होती है, काम प्रवृत्ति। ठीक है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज आते हैं और कन्फ्यूज होके वो क्या करते हैं उसको लिख के आते हैं किसको, बच्चे कन्फ्यूज होके और उसमें लिख के आते हैं किशोरावस्था, तो भैया काम प्रवृत्ति पर क्वेश्चन हमेशा आता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे में काम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, शेषावस्था। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, कौन सी अवस्था हो गई, शेष अवस्था में सबसे ज्यादा काम प्रवृत्ति होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों, हमें लिखा हुआ थोड़ा सा और, काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, यानी सबसे अच्छा समय सीखने का कौन सा है आपका, शेष अवस्था। ठीक है, तो ये होती है 0 से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है, 0 से लेकर कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। दूसरे देखते बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है,
छः वर्ष से 12 वर्ष की अवधि तक। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों की चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शेष अवस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं शेष अवस्था के मुकाबले बाल्य अवस्था के अंदर बच्चे थोड़ा कम गति से सीखते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप पढ़ोगे। और लास्ट आज का पढ़ लेते हैं किशोरावस्था, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्टैंड जो है ना वो ख़राब हो गया, तो हाथ से पकड़ के इसको सूट करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। तीसरा बात करते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। 12 से 18 वर्ष तक की अवधि होती है, इसको आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। और इसमें व्यक्ति के बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और उनकी मांसपेशियां भी। लड़कों और लड़कियों में अलग अलग जो है परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, संवेगों पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति इसके अंतर्गत सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये नशा या अपराध की ओर बच्चे उन्मुख हो जाते हैं इस अवस्था के अंदर, इन्हें आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये तो हुई 3 अवस्थाएं जो मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, संघर्ष फॉर नौकरी चैनल है, तो आपके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और आप भी संघर्ष करते रहिए। थैंक यू सो मच।